नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने लुधियाना मलेरकोटला के रोड पर स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में युवा अकाली दल के कार्यकर्ताओं की एक रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि कांग्रेस के बाद अकाली दल देश की सबसे पुरानी पार्टी है। वहीं उन्होंने बताया कि पार्टी ने कई बलिदान दिए हैं, एक ऐसा संगठन जो संघर्ष से उभरा और आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाने वाला पहला संगठन था। ये पार्टी किसी की जागीर नहीं बल्कि देश और पंजाबियों की पार्टी है। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्हें मुगल बताया। वहीं उन्होंने युवाओं से अपनी पहचान बनाने का आह्वान भी किया। वहीं सुखबीर ने आगामी पंचायत और नगर निगम चुनाव में युवाओं को 50% वोट देने का भी समर्थन किया है। वहीं पंजाब की 510 मंडियों की तरफ से किसान विरोधी फैसले लेने पर गढ़ा विरोध जताते हुए भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के भवानीगढ़ ब्लॉक ने आप सरकार की कड़ी निंदा की है। इस संबंध में यहां से एक संयुक्त प्रेस बयान जारी करते हुए संगठन के ब्लॉक महासचिव जसवीर सिंह गगपुर और उपाध्यक्ष हरजत सिंह महिला ने इन बाजारों को तुरंत फिर से शुरू करने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि इस फैसले के जरिए सैकड़ों मंडियों में बिना किसी कारण के सरकारी खरीद बंद करके मान सरकार कृषि बाजारों को निजी व्यापारियों और शाही निगमों को सौंपने के लिए मोदी शैली के काले कृषि कानूनों की नीति लागू कर रही है। मेरा नाम गुरचेत सिंह पट्टीवाल कलां, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां दा ब्लाक भवानीगढ़ दा आगू मैं। पंजाब दी भगवंत मान सरकार है, यह हाले जिहड़ियां फसलां ने झोना सारा हजे मंडियां दे विच पिया है। मंडियां पहलां बंद कर दित्तियां गईयां ने, इस करके सख्त शब्दां दे विच इहदा विरोध करदे आं। आउण वाले दिनां दे विच जे इह साडा झोना ना चक्किया गया, मंडियां ना चालू कीतियां गईयां, तां सख्त विरोध दा सामना जिहड़ा भगवंत मान सरकार नूं करना पऊगा। किस तरीके देख रहे भगवंत मान, कहिंदे मैं किसान दा पुत्तर पर ऐदां मंडियां चों फसलां रोलनियां कि देखो जे किसान दा पुत है पर गल्लां नाल है, गल्लां ने उहदे कोले ग्राउंड लेवल ते उहने इह किसान। मेरा नाम हरजीत सिंह, भारतीय किसान एकता उग्राहा ब्लाक भवानीगढ़ दा मीत प्रधान है जी। तुहाडे वल्लों सड़क रोकी गई है, की कारण? इह सड़क अज असीं जिहड़ियां पंजाब दी सरकार ने 530 मंडियां एकदम बंद कीतियां नेगियां उहदे रोस वजों कीती हैगी, क्योंकि एक पासे साडी फसल जिहड़ी हड़ां करके लेट बीजी हैगी, जिहड़ी मतलब हड़ां ने मारती सीगी, पर दूजे पासे सरकार ने समय तो पहला मंडियां बंद करके लोगों के जख्मां ते लूण छिड़किया। इस करके असीं अज इह संकेतक धरना दित्ता एक घंटे वास्ते। जे सरकार ने यह आपका फैसला वापस ना लिया तो आने वाले समय के असं इन होर ये बारे भगवंत मान साहब नूं कहना चाहते हैं। जिहड़ा किसानां दा तैसी किसानां दा पुत्त कहाउंदा सी, छोटे किसान का वह बेटा कहाउंदा सी, जिहड़ा कहिंदा भी मेरी खेती की हुई है, उन्हें तरीकां दित्तियां भी 20 तरीक तो पहला जिहड़ी झोना संगरूर जिले च नहीं लाउणा, उहदे आ खमियाजे भुगतने पैंदे ने। झोने दे कन्नी मरवाओ कैमरा, यह झोना हरा पिया ते खंडियाया पिया, क्योंकि जिहड़ी झोने की किस्म आ किसान चंगी तरह जानते हैं। जिहड़े किसान खेती ग्राउंड लेवल से करते हैं, एक तो गल्लां नाल खेती करते होंगे ने, एक कलम नाल खेती करते होंगे ने, ये सरकारां तां करदे। समराला से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां सड़क हादसे में दो भट्टा मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि उनका एक अन्य साथी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार योगेश सुनील और उनका एक अन्य साथी मोटरसाइकिल पर अपने भट्टे पर जा रहे थे और कि रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे सभी सड़क पर गिर गए और इस हादसे में योगेश और सुनील की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उनका तीसरा साथी घायल बताया जा रहा है और उसे इलाज के लिए समराला अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दीपक, दीपक सर कौन है जिनकी डेथ हुई है, इनको जानते हो? तीनों को? आप तीनों को नहीं जानता हूँ, एक को जानता हूँ। क्या नाम है उसका? सुशील। कहाँ पे रहता है, क्या काम करता है? मोदी भट्टे पे। मोदी भट्टे पे जी। क्या काम करता है? पथेर का जी। डेथ हो चुकी है इनकी जी।
क्या हुआ था कुछ मालूम है? नहीं जी, ये घर पे से बोल के चले कि मैं अभी आ रहा हूँ, 5-10 मिनट में आ रहा हूँ। आपके क्या लगते हैं जी? ऐसी पास में ना जैसे रिश्तेदार होते हैं, चाचा यानी कि चाचा ताई में, फुफड़ ताई में। कितना कदों हुआ एक्सीडेंट जी? है ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਏਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੇ ਚੱਕੇ ਜਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਕੇ ਹਾਂ, ਰੋਡ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮਗਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਖੜ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਗੜੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, 3 ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਾਬਾਦ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੂਹਰੋਂ ਕਾਫੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜੋਗੇਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਵੈਸੇ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਡੈਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 108 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੌਟ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। मोगा के अकलसर रोड के पास अभी कुछ समय पहले गोली चलने का मामला सामने आया है। गोली लगने से 2 युवक घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक देखते हुए उसे रेफर कर दिया है, जबकि दूसरे युवक का इलाज मोगा के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक कोई आपसी रंजिश के कारण गोली चली थी, और वहीं बताया जा रहा है कि इसकी अभी पुष्टि नहीं की जा रही है। वहीं घायलों के विकास जंदल के पेट में गोली लगी है, जबकि वीर सिंह के दोनों टांगों पर गोलियां लगी है, और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर साड़ी नॉलेज 2 जने आए, विकास जिंदल ते वीर सिंह एडीएस मिट्टू। मिट्टू इतने दाखला उन्हों रेफर करता अपने मेडिसिटी लिए। ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਰ ਸੱਟਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੱਲੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਹੁਣ ਜ਼ਖਮੀ? ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਨੋਂ। ਸਰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਿਕਾਸ ਜਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, 27 ਉਮਰ ਆ ਉਹਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਲੈਸਡ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 32 ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਇੰਜਰੀ ਸਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 2 ਇੰਜਰੀ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ। पुराने रंजिश के चलते बठिंडा में बर्गर खा रहे युवक पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है, जिसमें युवक को काफी चोट लगी है और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि घायल पीड़िता ने बताया कि वो बर्गर खा रहा था, तो अचानक 4-5 लोगों ने उस पर हमला कर दिया। ये भी बताया कि कुछ समय पहले हमारी किसी मामले को लेकर कहासुनी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच फिलहाल की जा रही है, और जो भी आरोपी होगा उसको माफ नहीं किया जाएगा। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਹਾਰਾ ਕਲਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜੀਤ ਰੋਡ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਵੜਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਸਥਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਰਗਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ 5-6 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ,
ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਉਹ ਹੋਈ ਆ। दीपावली की रात गांव खनाल कला के किसान दर्शन सिंह का बड़ा नुकसान हो गया है। रात में दीपावली मनाने के बाद सुबह सो के उठा तो देखा कि उसके टूटी वाले कमरे के आग लग गई है। जैसे जैसे आग पर काबू पा लिया गया है पर लाखों रुपए का नुकसान हो गया है जिसमें टूटी सहित ट्रैक्टर चलकर राख हो गई है। वहीं गांव की सरपंच गुरशरण कौर के पति सतनाम सिंह मजेल ने बताया कि किसान का बहुत नुकसान हुआ है। वहीं कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई है और दिलवा के डीएसपी परिथव सिंह चाहल से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम मौका देखकर घटना की कार्रवाई जल्द शुरू कर देंगे। पठानकोट के गांव भुआ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गुर्जर समुदाय के ओर से अपने पशुओं के लिए इकट्ठा की गई पराली में अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है लेकिन अब तक पराली जलकर राख हो गई है। करीब 3 लाख का नुकसान बताया जा रहा है जिसको लेकर गुर्जर समुदाय ने नुकसान के मुआवजे के लिए सरकार को अपील भी की है। पराली जल गई 3 लाख की पराली जल गई है जिसमें आपको बता दें कि इसका फिलहाल अभी कोई पता नहीं लग पाया है। पराली जलने का कारणों का पता नहीं लग पाया है पर 3 लाख की पराली जलने की खबर सामने आ रही है। किसान को इस पर भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि पराली में अचानक भीषण आग लग गई थी जिससे कि 3 लाख की पराली का नुकसान हुआ है। वहीं दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर किसी तरह काबू पा लिया है लेकिन किसान को इसमें भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि आपको 3 लाख रुपयों तक की पराली जलकर राख हो गई है किसान की जिसमें उसको भारी नुकसान हुआ है। हालांकि पराली किस तरह से जली इसके कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। फायरमैन विनाश कुमार, राकेश कुमार फायरमैन, मनदीप कुमार, विकास के नाल सचिन ड्राइवर, आपां सानूं सूचना मिली कि कोई पिंड अग लगी है गुजरां दे कोल। सूचना मिलते सारे ही सानू कमाया एडीएफ साहब ना भी आप आ गए कोशिश की है तो बुझा की बट अगर काफ़ी कंट्रोल हो गया बट हजे भी लगी हुई है गड्डिया आ रही। मेरा नाम जी सुरमुद्दीन, नुकसान हो गया 2.5-3 लाख का। पराली 1 बजे दिन तक लग गई है, मैंने पता भी हूँ कि कहना हुई तो कहना नहीं हाँ लगा तो बाहर अग लगी हुई है नहीं कोई पता नहीं जी चाणक होने सड़क लग गया कि अखा च बिके कहना किता जी कुत्ती किले की पराली 2.5 लाख का नुकसान। पंजाब सरकार पंजाब की जनता के लिए सेहत सहूलतों को देने में वचनबद्ध है। वहीं आज पंजाब सरकार ने 14 नवंबर बाल दिवस पर बच्चों के लिए पंजाब में इको कार्डियोग्राफी सेंटर की शुरुआत की है। वहीं इको कार्डियोग्राफी का पहला सेंटर आज मोगा के सरकारी अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने उद्घाटन कर शुरू किया है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब में पहले किसी भी सरकारी अस्पताल में यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी लेकिन अब सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है और आने वाले दिनों में पूरे पंजाब में सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ
और NBCC जो नैशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन है उन्होंने यदि फंडिंग की है जी। इन्होंने स्टाफ को भी ट्रेन करना जो थोड़े प्रोडक्ट्रीशियन है उन्होंने ट्रेन करके जो बच्चों के जी कंजेंटल हार्ट डिजीज़ है जिद के सू नॉर्मली पेरेंट्स में बेचारे पता नहीं होंगे तो बच्चा वो ग्रोथ ठीक नहीं होंगी वालों ना तो ये थोड़े जोड़े लोकल सारे MLA साहबान है सिविल सर्जन और जी सा फाउंडेशन है चाइल्ड केयर फाउंडेशन पंजाब गवर्नमेंट सारे ने मिलकर जोड़ा ये उपराला किया तो ही अच्छ पॉसीबल होया और यदि शुरुआत हो रही है मोगे तो मोगा वैसे भी इनू असी पंजाब का दिल कहने सेंटर ऑफ पंजाब है बिल्कुल तो एक नवी शुरुआत है ये जोड़े बच्चे है जो खास करके जोड़े नहीं अफोर्ड कर सकते पेरेंट्स जिन्होंने अवेयरनैस भी नहीं है अफोर्ड भी नहीं कर सकते उन्होंने अर्ली डायग्नोसिस कि बच्चे के कई बार हार्ट के सुनया होना कि वे हार्ट के शेक है तो जो इलाज नहीं होएगा वो चमोरी होंगी है छोटी जी उन्होंने बड़ा ईजीली छोटे जे प्रोसीजर के नाल बंद किया जा सकता और सारे सारा कुछ फ्री है उसका ऑपरेशन फ्री है सारा बट जो डायग्नोज नहीं होगा तो वह इलाज कितना होगा बाद हार्ट की इनलार्जमेंट हो जाती है जो तक उन्होंने पता लगता वो बहुत लेट हो चुका होंगे और बच्चे की जी लाइफ है बहुत शॉर्ट हो जाती है। अकाल जी नमस्कार। सब तो पहला तो मैं साडे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी और साडे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर बलबीर सिंह जी का धन्यवाद करना चाहनी हूँ और चाइल्ड हार्ट फाउंडेशन जी NBCC वालों जिन्होंने फंडिंग की जाती है उन्होंने संस्थावान का धन्यवाद करना चाहनी हूँ कि अब साडे मोगा विखे पूरे पंजाब सब तो फस्ट जी इको कार्डियोग्राफी चाइल्ड की स्टार्ट की गई है उसकी इनोग्रेशन की गई है। सो मोगा साडे पूरे पंजाब दे विचो पहला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनिया जिथे इको कार्डियोग्राफी की जी सुविधा बच्चों के लिए स्टार्ट की गई है और पीडियाट्रिशियन जोड़े है उन्होंने दिल्ली ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। 3-3 डेज की पहला ट्रेनिंग होएगी 3 वीक्स के लिए होएगी 3 रोटेशनस होनगियाँ ये उस तो बाद फिर जो रिपोर्टिंग इतों जाएगी दिल्ली जाएगी। तरन तारण दिवाली की रात पटाखे चलाने को लेकर युवाओं के दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि हंगामा खूनी झड़प तक जा पहुंचा। दोनों पक्षों के युवक गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका खडूम साहिब के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। गांव गोविंदवाल साहिब के मनजिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने पटाखों की दुकान लगाई थी और दूसरे पक्ष के गोविंदवाल साहिब के रहने वाला गुरविंदर सिंह ने रात को उसकी पटाखों में दुकान में तोड़फोड़ कर दिया जिसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया जो अगली सुबह खूनी संघर्ष में बदल गया। वहीं शमशेर सिंह ने कहा कि गुरविंदर सिंह ने कुछ अन्य लड़कों को बुलाया और तेज धार हथियार से उस पर हमला कर दिया। वहीं विपक्ष के गुरविंदर सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उन लोगों ने उनकी पिटाई भी की है। वहीं फिलहाल दोनों पक्षों के युवकों का खट्टर साहिब के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है और थाना गोविंदवाल साहिब की पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। शमशेर सिंह जी की गल पता हुई रात महाराज असं मार्केट लाई पटाकों की ठीक है जी तो इन्होंने 2-3 बारी डकिया आप सुधरे नहीं ये पटाके वाली सारी मार्केट ने इन्हों कि ना चलाओ ना चलाओ ये सुधरे नहीं अही कहा तो साढ़े आगे गल पै गए 20-25 जने ने रल के कितने लाई दुकान ये चौंक में लाई जी गोविंदवाल साहब रविंदर सिंह जी मेरे पैर थले वाई नंगी है ठीक है मैं नंगन लिया इना जिन्हों की गल ही उन्होंने इन्हों गल नहीं पे ठीक है ये मैं सवेरे पूजा करके मैं घरे समान छड़न जाने दोवे भरा आए मेनू कहते की गल है मुंडा मेरे तो एक खलोता है वह नजायज ही वह लागे खलोता मैं ये मैं कहते ये मैं आ कहना तेरा साथी कितने जेड़े तेरे गल पाए मैं मैं पठानकोट की ओर से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कार को टक्कर मार दी और उस हादसे के बाद कार में सवार राजकुमारी की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि उनका बेटा अमन कुमार गंभीर हालत में कार में फंस गया जिसे पुलिस ने लोगों की मदद से कार से बाहर निकाला।
बड़ी मुश्किल से उन्हें एम्बुलेंस पर बिठाकर गुरदासपुर अस्पताल भेजा गया है और हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं आपको बता दें कि मौके पर पहुंची सदर थाना प्रभारी मंजित सिंह ने बताया कि फिलहाल घटना की जांच कर रहे हैं और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फोन आया कि साइड एक्सीडेंट होया, जब मैं आके देखा वा तो जी रोडवेज की कार आ रोडवेज की बस आल्टो कार आदा एक्सीडेंट होया पाया। मुलाजा मौका करने से पाया गया कि जोड़ा कार वाला आ पिछे का रोड साइड एक्सीडेंट होया तो जी बस वा तेज रफ्तार होने करके इनू काफ़ी कोई 500 गज जी दूरी से वो घरीस के लाई है। जो पेशेंट जी लेडी राजनी आ जरा कार ड्राइव कर रहा है वह ना अमन कुमार आ दोनों जेडे पठानकोट के रहने वाले ने ते आपां मौके ते पहुंच के गड्डी जिहड़ी तोड़ के दोनों जणिआं नूं बचाव कारजां तहत जिहड़ा उहनां नूं फस्ट एड वास्ते बारी हॉस्पिटल भेजा है। बाकी एंबूलेंस जिहड़ी 108 आ उहनूं मैं कॉल कीती आ। गुरदासपुर एसएसपी दायमा हर्ष कुमार के दिशा निर्देश के तहत नशे और बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे आर्थिक अभियान में धारीवाल थाने की पुलिस ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान चुराए गए डाक डोडे और 30,000 ड्रग मनी सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएचओ सरबजीत सिंह चहल ने कहा कि सीआईए टीम और एएसआई बलबीर सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ जीटी रोड बट्टा जपूवाल के पास नाका लगाया हुआ था और बटाला की ओर आ रहे मिनी केंद्र नंबर को रोककर उसकी तलाशी ली गई तो कैंटर की पिछली बॉडी में 4 बोरियां हरी पिस्त पोस्ट छिपाई गई थी जिनका वजन 1 क्विंटल था और कैंटर के केबिन से 30,000 ड्रग मनी बरामद की गई। पूछताछ के दौरान मिनी कैंटर चला रहे व्यक्ति ने अपनी पहचान अश्वनी कुमार के रूप में बताई है जिसकी पहचान बथावल थाना बहरामपुर के रूप में की गई है। करनैल चंद वासी डीडा सांसियां ये ट्रक नंबर हैगा जी PB13AR3287 ये तो कुछ लसन तो होर समान थोड़ा लग्या सीगा उहदे विच इन्हां ने लकाश पा के 4 तोड़े जिहड़े सी उह पोस्ट चूरे दे लै के ते राजस्थान तो इन्हां ने लैके आए पठानकोट नूं जा रहे सीगे। ये इनफॉर्मेशन दे भाव ते भट्ठे दे लागे गुरदास नगर तो ASI बलबीर सिंह ASI बलबीर सिंह जिहड़े साडे नाल CIA दी टीम सीगी इन्हां दे इन्हां ने सूचना दे आधार ते इहनूं काबू कीता ते भज्जण लगे आ। इन्हां कोलों 30,000 रुपए ड्रग मनी वी बरामद होई उस चोरे तों इलावा जिहड़ा इन्हां ने वेच के कुछ ते इधर उधर जिहड़े इन्हां ने पैसे कमाए सी। गुरदासपुर के कादिया के छोटा नंगा गांव से एक मामला सामने आया है जहां एक गरीब परिवार का 45 वर्षीय गुरमुख सिंह 14 साल पहले रोजी रोटी कमाने के लिए लेबनान गया था और विदेश गए शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मृतक गुरमुख सिंह की 2 बेटियां और 1 बेटा है। गरीब परिवार होने के कारण वह उसका शव वहां से लाने में असमर्थ है जिसके चलते परिवार ने समाजसेवी संस्थाओं और पंजाब सरकार से गुहार लगाई है कि गुरमुख सिंह का शव विदेश से लाने में उनकी मदद की जाए। मेरे पापा लेबनान गए सी 14 साल पहला गए सी उन्होंने उथे हार्ट अटैक हो गया शायद 10 तरीक नूं 4 दिन हो गए उन्होंने बॉडी की वेट कर दिया प्लीज साड़ी मदद की जाए। अभी 3 भैन भरावां मैं भी मेरे पापा कल्ले कमाण वाले सी घर चों मेरे 2 भैन भरा छोटे ने मैं वड्डी मैं ब्याही हुई हूँ मेरे घर वाले ही 14 साल हो गए उन्होंने काम बाहर 2-3 साल 3-4 साल उन्हें खतो खर्चा भेजा थोड़ा बहुत पढ़ के और उन्हें इतना ही उन्होंने हेल्प की जाए उन्होंने मंगवाया जाए इधर कोई सरकारी अधिकारी कोई आया थोड़े पास नहीं अजे कोई नहीं आया। हाँ जी मैं बलदीप कौर आम आदमी पार्टी वर्कर साडा पिंड नंगल बाग बना विच ना 4 दिन पहला मतलब कि बाहर भी भाजी गुरमुख सिंह उन्होंने डैथ हो गई है
ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਵੀਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਸਕੀਏ। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर से मिलेंगे आपसे, नमस्कार।